हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, मैं हूँ ज्योति और आप सभी का स्वागत है फूडी पाथ विद ज्योति में। आज मैं आप सभी के लिए एक स्टार्टर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे मैं क्रिस्पी पोटैटोज और योगर्ट सॉस के साथ बनाऊंगी। यह एक ईजी रेसिपी है, तो चलते हैं रेसिपी की ओर। और सबसे पहले मैं बनाती हूँ क्रिस्पी पोटैटोज और योगर्ट सॉस, फिर इन दोनों के साथ मैं तैयार करूँगी सबको पसंद आने वाला एक डिलीशियस स्टार्टर डिश। मैंने आधा केजी छोटे छोटे आलू लिया है, इसे 90% तक उबालना है। इसे कुकर में पानी के साथ डालकर मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी, फिर लो फ्लेम पर 5 मिनट तक रखकर उबाल लेना है। मैंने आलू बॉयल कर लिया है, कुकर का प्रेशर भी निकल चुका है। अब इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। आप देख सकते हैं यह 90% पक चुका है। अब इसे मैं 10 मिनट तक ठंडा होने देती हूँ। 10 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं आलू बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब इसे स्लैटली प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं किस तरह मैं हाथों की सहायता से इसे मैं स्लैटली प्रेस करती हूँ, आपको मैं बता रही हूँ। बिल्कुल आपको इसी तरह प्रेस करना है, हल्के हाथों से दबाना है। देखिए मैं फिर एक बार आपको बता रही हूँ, आप इसे कटोरी के उल्टे साइड की सहायता से भी प्रेस कर सकते हैं। देखिए किस तरह मैं कटोरी की सहायता से इसे मैं प्रेस कर रही हूँ। इस तरह सारे आलुओं को आप प्रेस कर लीजिएगा। इस तरह आपने देखा कि मैंने सारे आलू को प्रेस कर लिया है, आपको इसी तरह सारे आलू को स्लैटली प्रेस करना है। अब आगे बढ़ती हूँ, अब इन्हें क्रिस्पी करने की तैयारी करते हैं। इन्हें एक्स्ट्रा क्रंची करने के लिए एक बाउल में 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर और 4 बड़े चम्मच मैदा लेंगे। आप कॉर्नफ्लोर की जगह राइस पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना कोटिंग के भी इन्हें बना सकते हैं, जैसे आपकी इच्छा। साथ ही आधा छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स, आधा छोटा चम्मच ओरिगेनो या मिक्स्ड हर्ब या ड्राई मिंट पाउडर, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक और लास्ट में आधा छोटा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर एक स्मूथ बैटर तैयार करना है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर तैयार कर रही हूँ। बैटर ना ज़्यादा पतला होना चाहिए ना ज़्यादा गाढ़ा, हमें पोरिंग कंसिस्टेंसी का बैटर तैयार करना है। इस तरह बैटर तैयार है, आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल बोरिंग कंसिस्टेंसी है, जैसा हमें चाहिए। अब मैं मीडियम हीट पर फ्राई करने के लिए तेल गर्म कर लेती हूँ। तेल गर्म हो चुका है, अब एक एक आलू को बैटर में डुबाकर मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। आप देख सकते हैं किस तरह मैं आलू को बैटर में कोट कर फ्राई कर रही हूँ। आपको भी इसी तरह बारी बारी से कोट कर आलू को फ्राई कर लेना है। अब इन्हें ऐसे ही 3 मिनट तक रहने देना है। 3 मिनट के बाद इसे पलट लेना है। 3 मिनट हो चुके हैं, अब इसे मैं पलट लेती हूँ और फिर इसे ऐसे ही 2 से 3 मिनट तक रहने दूंगी। अब देख सकते हैं यह पूरी तरह फ्राई हो चुका है, अब इन्हें मैं निकाल लेती हूँ। इसी तरह मैं सारे आलू को फ्राई कर लूँगी। जब तक और आलू फ्राई होते हैं मैं योगर्ट सॉस तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि इन्हें गरम गरम खाने में ही मज़ा है। अब देख सकते हैं ये आलू कितने क्रिस्पी और क्रंची नज़र आ रहे हैं। अब मैं योगर्ट सॉस बनाना स्टार्ट करती हूँ। मैंने फुल क्रीम दही लिया है, आप देख सकते हैं यह दही कितना थिक है, इसके ऊपर मलाई भी है। दही को मैं मिक्सिंग बाउल में डाल दूंगी और इसे अच्छी तरह व्हीप कर लूंगी। मैंने इस कटोरी से लगभग 2 कटोरी दही लिया है, अब मैं दही को व्हीप कर लेती हूँ। मेरे घर में यह सबको बहुत पसंद है, तो मैं अक्सर बनाया करती हूँ। अब देख सकते हैं व्हीप्ड दही तैयार है। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक, आधा छोटा चम्मच चीनी पाउडर, 2 बड़े चम्मच काजू पाउडर, आधा छोटा चम्मच ओरिगैनो या मिक्स्ड हर्ब या ड्राई मिंट पाउडर,
एक छोटा चम्मच रोस्टेड कसूरी मेथी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चिल्ली फ्लेक्स, एक छोटा चम्मच पेपरिका या कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, क्योंकि हमें लाल कलर चाहिए, ज़्यादा स्पाइसी नहीं। साथ ही एक छोटा चम्मच रेड चिल्ली सॉस। अब इन सारी सामग्रियों को दही के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेती हूँ। आप देख सकते हैं किस तरह मैं दही के साथ इन सामग्रियों को मिक्स कर रही हूँ। इस तरह मेरा योगर्ट सॉस तैयार है। मेरे सारे आलू भी फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में सर्व कर लेती हूँ। इन आलुओं को प्लेट में रखने के बाद इनके ऊपर बारी बारी से योगर्ट सॉस को डाल देना है। इस तरह मैंने सारे आलुओं के ऊपर तैयार सॉस को डाल दिया है। अब मैं इसे चॉप्ड प्याज और धनिया पत्ते से गार्निश कर लेती हूँ। इस तरह क्रिस्पी क्रंची टेस्टी डिश तैयार है। देखिए देखने में कितना यमी दिख रहा है। जब भी कोई आपके यहाँ गेस्ट आए, आपने कोई बर्थडे पार्टी रखी हो या कोई किटी पार्टी हो, तो स्टार्टर में यह ज़रूर बनाइए। आपको मैं नज़दीक से इसका टेक्सचर दिखा रही हूँ। देखिए यह देखने में क्रिस्पी क्रंची और योगर्ट सॉस के साथ कितना लाजवाब दिख रहा है। आप मेरी रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें और अपना अनुभव मेरे साथ शेयर करें। वीडियो ठीक लगे लाइक कर दीजिएगा, साथ ही नए व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही मेरे लिंक को शेयर भी कीजिएगा। अब चलती हूँ, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। थैंक यू।